सोशल मीडिया मोबाइल के दौर में अजमेर के जवारंग मंच पर मैजिक मिरर 2020 का आयोजन किया गया। यह आयोजन मशहूर जादूगर आनंद अवस्थी की देखरेख में आयोजित किया गया, जहां 6 जादूगरों ने अपना अभिनय दिखाते हुए लोगों की खूब तालियां सुनी। इस मौके पर हाथ की कलाबाजी देखते ही बनी और इस दौरान जवारंग मंच पूरी तरह से खचाखच दिखाई दिया। अलग अलग जादूगरों ने अपने हाथ की सफाई इस तरह पेश की कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि किस तरह से यह जादू दिखाया जा रहा है। इस मौके पर मशहूर जादूगर आनंद अवस्थी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि आज का युवा यूट्यूब व सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी निकाल रहा है और उसे मालूम ही नहीं कि दुनिया में किस तरह से नए नए आयोजन आयोजित होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को लाइव प्रदर्शन देखना चाहिए, ना कि झूठे और बंधक बनाए गए वीडियो पर अपनी आंखें खराब करनी चाहिए। किस तरह का ये आयोजन होगा और किस तरह के आप ये जो जादू है वो दिखाएंगे? देखिए, ये अजमेर के लिए बहुत लंबे समय बाद एक शानदार खूबसूरत शाम बनी हुई। हमारे ज़्यादातर जो जनरेशन है हमारी नई वाली, वो यूट्यूब में और उसमें खोई हुई मोबाइल वगैरह में, तो लाइव शो का जो रोमांच होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनका जो पेनिट्रेशन होता है, उसका जो चार्म होता है, एक तरह से दिमाग से उड़ गया है। तो हम चाहते हैं एक बार वो फिर से फील करें कि वो क्या मिस कर रहा है, क्योंकि जादू हम लोग जब भी टीवी पे उसमें देखते हैं वो ईमानदारी से नहीं होता, बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारे चेंजेस उसमें आ जाते हैं। तो जो लाइव अपनी आँख से देखना होता है ना कि हाँ हमने अपनी आँख से देखा है, यानी कहीं कोई शक और शोभा नहीं है, उसका रोमांच अलग ही होता है बिल्कुल। जैसे मैंने करीब 36,000 शो पूरे वर्ल्ड में दिए हैं, 36 कंट्रीज में, 52 साल से मैं मैजिक कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन को अच्छे से तैयार करूँ ताकि वो लोग हमारी डिमिनिशिंग कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने तैयार किया है, उनमें से जो खास चुनिंदा लोग हैं आज की शाम वही स्टार्स हैं इस हाईलाइट के। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी शो के 15 मिनट बचे हुए शो हॉल खोले, यानी लोगों में उत्साह है उसके लिए, और हम चाहते हैं कि वो उत्साह हमेशा ही बना रहे। उसी रिवाइवल के लिए हम लोग ये शो कर रहे हैं। आप विश्वास करिएगा, हमने किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, एक टिकट रेट एक नए पैसे का नहीं रखा है। हम सिर्फ चाहते हैं कि सोसाइटी जो मिस कर रही है उसको फील करे और रियलाइज़ करे, उसके लिए हमने पूरा यहाँ पर ये इंतजाम पूरा किया हुआ है। और बहुत खुशी है, बहुत सारे लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वापस हमेशा रुचि शुरू हो। यूट्यूब में, परछाइयों में, व्हाट्सएप में क्या रखा है, फोकट के कन्फ्यूजन्स हैं। इसीलिए सच जो सामने, आँख के सामने दिखता है, उसका मजा लीजिए, थोड़ा देखिए। तो बात क्या, आप तो भूल गए, एक बार रिमाइंड करिए ना, एक बार रिमाइंड करके देखिए, मजा आ जाएगा। फिर आप हमेशा तलाश में रहेंगे कि ऐसा कोई एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मशहूर जादूगर आनंद अवस्थी ने बताया कि उन्होंने अब तक 36,100 शो भारत के साथ ही कई देशों में कर चुके हैं और उन्हें जादूगरी करते हुए 52 साल बीत गए हैं। ऐसे में इस हुनर को समाज के बीच बचाए रखने के लिए नए युवाओं को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जादूगरी खत्म ना हो और लोगों के बीच जाकर यह कर्तव्य और हाथ की सफाई दिखाई जा सके, जिससे कि युवा पर आने वाली पीढ़ी मोबाइल व सोशल मीडिया में खोकर लाइव कलाकारी देख सके। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में जादू के शो देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है।